हाय गाइस, नमस्ते. वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे. अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा. ये हिंदी में पिकअप पाइल रीडिंग होने वाली है. आज का हमारा सवाल उन लोगों के लिए है जो कि जो लोग सेपरेशन में हैं, जो जानना चाहते हैं कि उनके जो पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जो भी जिनके भी साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं, वो वापस कब आएंगे उनकी लाइफ में सेपरेशन के बाद. तो गाइज, यहाँ पे ये चार पाइल्स हैं. पाइल नंबर वन में ये पर्पल स्टोन है, पाइल नंबर टू में येलो स्टोन है, पाइल नंबर थ्री में रेड स्टोन है, एंड पाइल नंबर फोर में ब्लू स्टोन है. एक बार मैं आपको ऊपर से कार्ड्स का व्यू दिखा देती हूँ, ताकि आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट कर सकते हैं. तो गाइज, ये है पाइल नंबर वन, पाइल नंबर टू, पाइल नंबर थ्री एंड पाइल नंबर फोर. पाइल नंबर वन में यहाँ पे ये पर्पल स्टोन है, एमेथीस्ट. पाइल नंबर टू में येलो स्टोन है, पाइल नंबर थ्री में रेड स्टोन है एंड पाइल नंबर फोर में ब्लू स्टोन है. तो आप अगर चाहें तो आप अभी मेडिटेट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं. जो भी पाइल, जो भी कलर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, आप वो पाइल सिलेक्ट कीजिए एंड उसके बाद हम रीडिंग में देखेंगे कि आपके पार्टनर की जो है प्रेजेंट एनर्जी क्या है, फ्यूचर में क्या होने वाला है एंड यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए सेपरेशन पीरियड के दौरान. तो शुरू करते हैं गाइस रीडिंग पाइल नंबर वन के साथ. पाइल नंबर वन, पर्पल स्टोन जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है, सवाल है व्हेन विल दे कम बैक, ही और शी, जो भी हो सकते हैं, कब वो वापस आएंगे. पहले यूनिवर्स का मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या है. द एम्परर, टॉरस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर. द फूल, अगेन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एंड द डेविल कैप्रिकॉर्न. तो अर्थ एनर्जी है यहाँ पे. टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, या फिर आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी ये जो साइंस हैं ये प्रेजेंट हो सकते हैं. करंट एनर्जी जो है आपके पार्टनर की, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस एंड एट ऑफ वॉन्ड्स. फ्यूचर के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स. मैसेजेस, इमोशंस या थॉट्स हो सकते हैं ये. Grow old with you and work oriented personality हो सकती है आपके partner की. personality हो सकती है, work oriented हो सकते हैं वो, काफ़ी ज़्यादा अपने काम पे ध्यान देने वाले ऐसे person हो सकते हैं. तो guys, कब आएंगे वो वापस, आएंगे या आएंगी, depends कौन देख रहा है. तो dates जो रहेंगी important वो रहेगी 4 तारीख, 15 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 3 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख. और जो मंथ्स इम्पॉर्टेंट रहेंगे वो रहेगा अप्रैल, जून, जुलाई, मार्च, अगस्त एंड सितंबर. तो ये मंथ्स और ये डेट्स हो सकती हैं जब आपके पार्टनर जो है वो वापस आ सकते हैं, या उनका डेट ऑफ बर्थ या आपका डेट ऑफ बर्थ. ये डेट्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे. जहाँ तक मुझे लगता है जो मंथ्स रहेंगे जिनमें वो वापस आ सकते हैं, वो हो सकता है अप्रैल से लेकर अगस्त तक का मंथ हो सकता है. डेट कुछ वेराई कर सकती है 6 से लेकर 15 तारीख तक के बीच में. ये कुछ डेट्स और मंथ्स हो सकते हैं जो मुझे फील होता है कि जिनमें आपके पार्टनर पाइल नंबर वन वापस से रिकन्सिलिएशन के लिए आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में. तो उनकी करंट एनर्जी फिलहाल क्या है. पहली बात तो यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है. यूनिवर्स का मैसेज आया है आपके लिए द एम्परर. पेशेंस, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है. बहुत ज़्यादा आपको हबड़ तबड़ में कोई डिसीजन नहीं लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशनशिप में आप अभी हैं सेपरेशन में. एंड द फूल, तो आई थिंक यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, आई बिलीव कि यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अभी जो सेपरेशन के पीरियड में हैं, इस टाइम में आप अपनी खुद की कंपनी इंजॉय करें, या अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करें, या अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा वरी में वेस्ट ना करें, बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, डिप्रेशन में ना चले जाएं. अपनी खुद की
कहते हैं ना, सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप खुद से प्यार करना सीखें इस पीरियड में, खुद को इम्पोर्टेंस देना सीखें. और जब तक आप खुद से प्यार करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप अपने खुद की इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई और दूसरा पर्सन जो है वो आपके इम्पोर्टेंस समझेगा या आपसे प्यार करेगा. पहले आपको खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है. एंड अपने खुद के साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि आप खुद ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें कि आप अकेले डांस करें, गाने सुनें, अकेले पार्टी करें या मूवीज़ देखें या जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आपकी हॉबी है, जो भी चीज़ करना आप इंजॉय करते हैं, आप वो चीज़ करें, उस चीज़ को इंजॉय करें. द डेविल किसी भी नेगेटिव आदत को अडेप्ट ना करें. सेपरेशन का पीरियड है, आई नो. जब हम अपने किसी लव्ड वन से सेपरेट हो जाते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, और इसी चीज़ों के दौरान लोग ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, स्मोक करना शुरू कर देते हैं, या किसी भी चीज़ की, किसी भी कोई भी ड्रग एडिक्शन हो सकती है, कोई भी नेगेटिव एडिक्शन हो सकती है. उन सब चीज़ों से यूनिवर्स का मैसेज है, आपको बच के रहना है. आपको कोई भी गलत आदत अडेप्ट नहीं करनी है, आपको अपनी कंपनी इंजॉय करनी है. जैसे भी आप करते हैं, आप जैसे भी अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, कोई भी आपकी हॉबी है, कोई भी आपके इंटरेस्ट हैं, आप वो चीज़ करें जो कि आपको अंदर से खुश करती है. और पेशेंस रखें, नेगेटिव चीज़ों में बिल्कुल ना पड़ें इस पीरियड में. आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है फिलहाल? आपके पार्टनर जो है, मुझे लगता है सेपरेशन में फाइनेंशियली ही इज़ डूइंग वेल, ही और शी जो भी है फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं. इमोशनली आई थिंक वो कुछ टाइम आता है उनके थॉट में, उनके माइंड में कुछ टाइम ऐसा आता है कि वो बैठ के पुरानी जो मेमोरीज हैं, पुरानी फोटोज़ हैं या गिफ्ट्स हैं या जो भी आपने, आपकी चीज़ें जो होंगी, जो उनके पास होंगी, भले ही वो फोटोज़ हों, मेमोरीज हों, गिफ्ट्स हों, उन सब चीज़ों को देख के मुझे लगता है वो काफ़ी एडमायर करते हैं और आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं. आपका सोशल मीडिया भी वो स्टॉक कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी मुझे लगता है जाके वो आपकी पिक्स देखते होंगे या आपसे किसी तरीके से आपकी जानकारी के बिना आपकी खबर रखते होंगे, ये मुझे लगता है. द एम्प्रेस अगेन जो फेमिनिन एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है इस रिलेशनशिप में, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है. एंड बहुत ज़्यादा उनके साथ जो भी जुड़ता है, जो भी जुड़ता है रिलेशनशिप में, काम में, जो भी उनके कांटेक्ट में आता है, जो भी उनसे फ्रेंडशिप करता है, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है. बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सन डिवाइन फेमिनिन, बहुत लोगों को पॉजिटिविटी से भर देने वाली, लोगों को इंस्पायर करने वाली और लोगों को गाइड करने वाली. अगेन, आपके जो पार्टनर हैं उनके माइंड में बहुत फ्रीक्वेंटली ये थॉट आता है कि वो आपको दोबारा से अप्रोच करें, या वो बहुत जल्दी जो है आपको अप्रोच करने वाले हैं. बहुत जल्दी, 8 महीने हो सकते हैं, 8 हफ्ते हो सकते हैं, 8 तारीख या 8वां महीना, अगस्त का महीना भी हो सकता है. अब से 3 महीने बाद हो सकता है, मुझे लगता है अब से 3 से 8 महीने बाद या 3 से 8 हफ्ते बाद आपके जो पार्टनर हैं, जिनके जिनको आप माइंड में रख के ये रीडिंग इस वक्त देख रहे हैं, वो कुछ इस टाइम में वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में. वापस आएंगे डेफिनेटली, लेकिन अगेन यूनिवर्स का जो मैसेज है, आपको क्या करना है, आपको पेशेंस रखना है. आपको बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, आपको बहुत ज़्यादा टेंस नहीं होना है, आपको पेशेंस रखना है इस सिचुएशन में. फ्यूचर कैसा रहेगा आप लोगों का? पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी है, बट अगेन एक पर्सन रहेगा इस रिलेशनशिप में जो आगे बढ़ने से, दोबारा आगे बढ़ने से इस रिलेशनशिप में डरेगा. एक पर्सन जो है, आप भी हो सकते हैं व्यूअर, आप भी हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जिनके बारे में आप, जिनको आप माइंड में रख के आपने ये पायल सिलेक्ट किया है, वो भी हो सकते हैं कि वो अपने पैचअप होने के बाद भी, वापस आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद भी इमोशनली उस तरीके से आपके साथ अटैच ना हो पाए, इमोशनली इतने इंटीमेट ना हो पाए जितने कि वो पहले होते थे, क्योंकि उनके माइंड में या आपके माइंड में अगेन एनर्जी इज फ्लूइड. तो आपकी, आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है. कुछ ना कुछ एक डर जो रहेगा वो बन जाएगा माइंड के अंदर, दिल के अंदर कुछ ना कुछ एक डर जो है वो इस इंसान के बन जाएगा, और वो पूरा अपना 100% पैचअप के बाद नहीं देंगे. वजह ये भी हो सकती है, वर्क ओरिएंटेड हो सकता है कि
इस बीच जब तक आपका सेपरेशन था, आप या वो वर्क में बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गए हैं, अपने काम को आप ज्यादा वैल्यू देने लगे हैं रैदर देन रिलेशनशिप्स, विच इज़ आई थिंक वर्क इज़ वर्शिप, क्योंकि आपके सर्वाइवल के लिए काम बहुत ज़रूरी है गाइस, काम बहुत ज़रूरी है। तो जो भी ऐसा कर रहे हैं, आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग, वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम रिलेशनशिप्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आपकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो दोनों चीज़ों को इक्वल जो है वैल्यू देना चाहिए, इक्वल टाइम देना चाहिए, इक्वल एनर्जी दोनों चीज़ों में लगानी चाहिए। ग्रो ओल्ड विद यू, तो आई थिंक ये आपके पार्टनर का मैसेज है। जब वो आपको दोबारा से अप्रोच करेंगे, एक सॉलिड ऑफर के साथ आपको दोबारा से अप्रोच करेंगे, क्योंकि वो आपको एडमायर करते हैं, आपकी जो मेमोरीज हैं उनके पास, उन मेमोरीज को, पास्ट मेमोरीज को वो एडमायर करते हैं। तो उस चीज़ को अपने माइंड में रखते हुए आई थिंक वो चाहेंगे कि वो अपनी आगे की लाइफ जो है आपके साथ कंटिन्यू करें, ग्रो ओल्ड विद यू, आपके साथ सेटल हों और बुढ़ापे तक, काफ़ी लंबे टाइम तक आपके साथ ही रिलेशनशिप में रहें। ऐसा कुछ थॉट, ऐसे कुछ फीलिंग्स जो हैं वो उनके माइंड में आती हैं, उनके दिल में आती हैं। जनरली आई थिंक बहुत ज़्यादा जेनरस हो सकते हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा जेनरस हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग हैं आपकी एब्सेंस में। राशियाँ जो हो सकती हैं गाइज, यहाँ पे आई टोल्ड यू कि अर्थ एनर्जी है, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, काफ़ी सारी अर्थ एनर्जी है, एंड लीब्रा भी हो सकते हैं आपके चार्ट में प्रेजेंट हो सकता है, या आपका सन मून राइजिंग, जैसे भी आप अपना जोडियक कंसिडर करते हैं, आप या आपके पार्टनर, लीब्रा राशि भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकती है। बाकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अर्थ एनर्जी ही नज़र आ रही है मुझे, एंड कुछ हद तक यहाँ पे एयर एनर्जी है। तो जेमिनाई लीब्रा, अगेन जेमिनाई लीब्रा एक्वेरियस, ये राशियाँ हैं जो हो सकती हैं पाइल नंबर वन के लिए। टाइम मैंने आपको बताया कि 4 महीने से लेकर 8 महीने तक, या अप्रैल से लेकर अगस्त का टाइम हो सकता है, या अब से 4 हफ्ते, या 4 हफ्ते या 8 हफ्ते, इतना टाइम जो है हो सकता है। 4 to 8 आप अपने माइंड में रख लीजिए, 4 to 8, 4 to 8 वीक्स हो सकते हैं, 4 to 8 मंथ्स हो सकते हैं, या 4th मंथ से लेकर, विच इज अप्रैल, अप्रैल से लेकर अगस्त तक का टाइम हो सकता है। पाइल नंबर वन आपके लिए, एक गॉड की तरफ से भी एक कार्ड निकाल लेते हैं गाइस। सेपरेशन के पीरियड में अगर आप मेडिटेशन करते हैं, किन का ध्यान आप कर सकते हैं? पाइल नंबर वन, पाइल नंबर वन, वरुणा, लॉर्ड ऑफ सीज, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए? नेविगेशन ऑफ द सी, सक्सेस इन फिशिंग, फॉरगिवनेस फॉर ट्रांसग्रेशंस, इंक्रीज इन लव बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो गाइस, इंक्रीज इन लव बिटवीन मैन एंड वुमेन आपके लव लाइफ से रिलेटेड आया है। तो मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में अगर प्यार जो है खत्म हो गया है, तो वो दोबारा से बढ़ेगा। मेडिटेशन मंत्र यहाँ पे लिखा है, आई बाव डाउन टू वरुणा हु लिव्स इन द ओशंस, इज लॉर्ड ओवर द एक्वेटिक क्रिएचर्स, द डीटी ऑफ ऑल लिक्विड्स, मे ही एवर ब्रिंग अस ऑस्पिशियसनेस, एमेन। पाइल नंबर वन, अगर आपको अपनी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्ते। एंड बढ़ते हैं हम पाइल नंबर टू की तरफ। पाइल नंबर टू, जिन्होंने ये येलो स्टोन सिलेक्ट किया है, आपका सवाल कब आएंगे आपके पार्टनर वापस, और यूनिवर्स का क्या मैसेज है? द मैजिशियन, जेमिनाई लीब्रा एक्वेरियस, लवर्स अगेन जेमिनाई, पुरुष एंड प्रकृति, द हायरोफेंट टॉरस एंड सेक्रेड यूनियन। तो यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए है, आप लव में हैं, आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, तो आई थिंक इस सेपरेशन के दौरान भी आप अपनी फीलिंग्स को उनके लिए कम मत होने दीजिए,
क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो हैं आपके सोलमेट हैं, जिस पर्सन को माइंड में रख के आपने ये रीडिंग खोली है, ये वीडियो पे आपने क्लिक किया है। आई थिंक ये जो पर्सन हैं ये आपके सोलमेट हैं, एंड कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आपका इनसे पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, कार्मिक कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। करंट एनर्जी आपके पार्टनर की सेपरेशन में थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार अगेन एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, या आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में ये जोडियक साइंस प्रेजेंट हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स, फ्यूचर के लिए दो कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। सो वी गॉट किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, बहुत सारे इमोशंस। मैसेज क्या है? यू, आई टोल्ड यू, यू आर माई सोलमेट, यू आर माई सोलमेट एंड दी लवर्स। पाइल नंबर टू, अनदर मैसेज, वी विल मीट सून, वॉट एल्स डू यू वॉन्ट? पाइल नंबर टू, सीधा ही यहाँ पे आंसर आ गया है। तो मुझे लगता है जिन लोगों को कन्फ्यूजन भी थी कि वो अपने पार्टनर से फ्यूचर में कभी मिल भी पाएंगे या नहीं, या चीज़ें कभी नॉर्मल हो भी पाएंगी रिलेशनशिप में या नहीं, तो ये कार्ड आपका आ गया है, वी विल मीट सून। तो आप लोग जल्द ही मिलेंगे। साइंस मैं आपको बता चुकी हूँ, जेमिनाई हो सकते हैं, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, टॉरस हो सकते हैं, एंड दैट्स इट। जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, टॉरस हो सकते हैं, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न भी कुछ हद तक मुझे लगता है ये राशि भी प्रेजेंट हो सकती है आपके या आपके पार्टनर के जोडियक साइन, सॉरी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, बर्थ चार्ट में। डेट्स क्या रहेंगी? इम्पॉर्टेंट रहेगी 1 तारीख, 6 तारीख, 5 तारीख और 3 तारीख, और उसके साथ यहाँ पे है हमारे पास 17 तारीख। मंथ्स जो इम्पॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा जनवरी का, जून का, मई का, मार्च का। तो जनवरी, मार्च, मई एंड जून, ये मंथ्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ये डेट्स इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके रिलेशनशिप में। आपकी मीटिंग, अगली मीटिंग, मुझे लगता है आपकी मीटिंग अगेन अगले साल जनवरी से जून तक के वक्त के बीच में हो सकती है। जो लोग ये वीडियो अभी देख रहे हैं, ये वीडियो अगस्त में अपलोड हो रही है, अगर आप फ्यूचर में देख रहे हैं ये वीडियो, आगे के मंथ्स में कभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी से लेकर 1 से 6 महीने तक, यानी अगले 6 महीने के बीच में या 6 हफ्तों के बीच में आप लोगों की मीटिंग होने के चांसेस हैं। 6 हफ्ते ज़्यादा हो सकता है क्योंकि वी विल मीट सून, तो आई थिंक 6 वीक्स के अंदर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है जिसमें आप लोगों की मीटिंग हो जाए। करंट एनर्जी है आपके पार्टनर की, आई थिंक वो अपनी इस सिचुएशन को लेके, अपने इन इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, जिसकी वजह से वो किसी थर्ड पर्सन से अपनी, अपने इमोशंस और अपनी जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। द स्टार, डिस्कशन के बाद क्या हो रहा है? हीलिंग हो रही है, इमोशनल हीलिंग एंड स्पिरिचुअल हीलिंग। वो खुद ब खुद अपनी हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वो हीलिंग होती जा रही है, जिसके बाद दोबारा से उनके मन में जो है दोबारा से प्यार जो है वो वापस आ रहा है। फीलिंग्स, इमोशंस जो हैं आपके प्रति वो वापस आ रही हैं। किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, मूवमेंट का कार्ड अगेन, जो भी है डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, आपकी तरफ मूवमेंट होगी जल्दी, आपको दोबारा से वो अप्रोच करेंगे, दोबारा से अपना जो कप है, अपने इमोशंस जो हैं वो दोबारा से आपको ऑफर करेंगे। फ्यूचर आपका कैसा रहेगा? दो कार्ड्स मैंने आपके फ्यूचर के भी निकाले हैं, फ्यूचर कैसा रहेगा? एस ऑफ पेंटिकल्स है गाइस, तो आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। जब भी दोबारा से आपकी लाइफ में आएंगे, आपका दोबारा से पैचअप होगा, दोबारा से आप रिलेशनशिप में आएंगे, आपकी शादी, शादी होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे सेक्रेड यूनियन, मैरिज का भी कार्ड है, दी हायरोफेंट। तो जब भी ये ऑफर आपके पास आता है गाइज, ये ऑफर जो है यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से है, ये पर्सन आपकी लाइफ में, बिल्कुल मैं कह रही हूँ ये यूनिवर्स की तरफ से है, और आपका इनके साथ बहुत ही एक डीप बॉन्ड है, जो कि मुझे लगता है पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इनके साथ, सोलमेट हैं आपके ये, एंड इनका और आपका जो
मैच है वो डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। मैरिज होने के भी बहुत चांसेस हैं, एंड मैरिज होने के बाद, एक बार पैचअप होने के बाद, आपकी लाइफ में एक नया डोर खुलेगा, एक नई सीनरी आपको नजर आएगी, एक नया व्यू आपको नजर आएगा। पुरानी जो नेगेटिविटी है, पुरानी जो आपकी जर्नी रही है, जो भी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, सेपरेशन हुआ है या जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, वो सब पास्ट में ही रह जाएंगे। आगे सिर्फ और सिर्फ लव रहेगा। पेज ऑफ कप्स, विच इज़ वेरी पॉजिटिव, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी पॉजिटिव। तो करंट एनर्जी अपने, वो अपने, मुझे लगता है अपने बड़ों से बात कर रहे हैं या अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, जो भी लोग उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं उनके साथ वो डिस्कस कर रहे हैं अपने इस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को, जिसकी वजह से वो अपनी हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एनर्जी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, जो कि हो जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है। दोबारा से प्यार जो है उमड़ेगा उनके दिल में आपके लिए, दोबारा से जो इमोशंस हैं वो दोबारा से एक बार रिन्यू हो जाएंगे, रिकन्सिलिएशन होगा, आपको दोबारा से अप्रोच करेंगे। मूवमेंट काफ़ी फास्ट है, अगेन आई टोल्ड यू फास्ट मूवमेंट है, एंड वी विल मीट सून है। तो अगेन 1 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते तक का टाइम जो है, इस बीच ये आपको दोबारा से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, भले ही आपको कॉल करें, भले ही आपको ईमेल करें, भले ही आपको आपसे पर्सनली मिलने आए, कोई भी मोड हो सकता है, बट ये डेफिनेटली आपकी तरफ कोई ना कोई एक स्टेप लेंगे आपको अप्रोच करने के लिए और आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप को नॉर्मल बनाने के लिए, पहले जैसे बनाने के लिए। बट आई थिंक पहले से कहीं बेहतर हो जाएगा ये रिलेशनशिप इस सेपरेशन के बाद। आपको क्या करना है, अगेन यूनिवर्स का मैसेज जो आपके लिए था वो था मैजिशियन, लवर्स एंड हायरोफेंट, क्योंकि आपका सेक्रेड यूनियन है, आपके सोलमेट हैं। आपको इस सेपरेशन में भी अपने जो इमोशंस हैं इनके लिए, इनके प्रति आपके मन में जो भी रिस्पेक्ट है, जो भी इमोशंस हैं, आप उनको कम मत होने दीजिए। भले ही आपका सेपरेशन है, कोई बात नहीं, दोबारा से पैचअप होगा। इन इमोशंस को, इन फीलिंग्स को आप नेगेटिविटी से इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए, और अपने प्यार को, अपने लव को आप बचा के रखने की कोशिश करें। तो ये था रीडिंग पायल नंबर 2 के लिए। अगर आपको रीडिंग अपनी पसंद आई है पायल नंबर 2, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरे चैनल के पेज पर भी अवेलेबल हैं, एंड ईमेल भी आप मुझे कर सकते हैं thejholewali@gmail.com पर। एक चीज और, यस, गॉड की तरफ से आपके लिए सेपरेशन में क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स हैं गॉड की तरफ से आपके लिए पाइल नंबर 2 के लिए, क्या मैसेजेस हैं? नंबर 2, काल की ब्लेसिंग्स हैं आपकी स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी, ओवरकमिंग आर्ग्यूमेंट्स, डिटर्मिनेशन इन कॉम्बैटिंग ईविल, एस्केपिंग द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द एज ऑफ काली। ओके, तो आपको जो ब्लेसिंग्स मिली हैं वो मिली हैं कि आप अपनी जो भी ईविल है आपके आसपास, आपके माइंड में हो, भले ही आपकी लाइफ में हो, आप उससे ओवरकम हो पाएंगे। एंड जो अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं आपके पास्ट में, जो कि या अभी प्रेजेंट में भी हो रहे हैं किसी के साथ, आपकी लाइफ में कोई आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं, तो आई थिंक उससे भी आप ओवरकम हो पाएंगे। स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी, मुश्किल समय में आपको स्ट्रेंथ मिल रही है गॉड की तरफ से, एंड देन यूनिवर्स का मैसेज, ऑल यू हैव टू डू इज़ यू डोंट हैव टू फोकस ऑन द नेगेटिव पार्ट, यू हैव टू फोकस ऑन योर लव। आप अपने प्यार पे, अपने इमोशंस पे आप भरोसा रखिए, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी, नेगेटिविटी से दूर रहिए। बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। पाइल नंबर 3,
जिन्होंने ये रेड स्टोन सिलेक्ट किया है, आपके पार्टनर कब तक वापस आ सकते हैं? क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं? क्या साइंस है? द चैरियट, लीब्रा, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, बट मोस्टली लीब्रा, टेम्परेंस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड द मून पाइसिस। पाइसिस हो सकते हैं, आपकी राशि हो सकती है, आपके पार्टनर की राशि हो सकती है, या बर्थ चार्ट में भी ये जो साइंस हैं ये प्रेजेंट हो सकते हैं। क्वीन ऑफ सोल, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, एयर एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी आपके पार्टनर की है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोल्स, टेन ऑफ सोल्स, अगेन एयर एनर्जी, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। फ्यूचर आप लोगों का कैसा रहेगा पैचअप के बाद? द एम्परर एंड फोर ऑफ कप्स। तो यहाँ पे भी गाइस, आई एम प्रिटी श्योर आपके जो पार्टनर हैं आपको अप्रोच तो वो डेफिनेटली करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन, आपको दोबारा से ऑफर वो देंगे, बट आई डोंट थिंक कि आप दोबारा से, जब ये आपके साथ इनका पैचअप हो जाएगा, ये दोबारा से जब आपको कांटेक्ट करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस ऑफर को लेके बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कई ऑफर्स होंगे, कई चीज़ें होंगी आपके पास लाइफ में करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि जब भी दोबारा से आपको कांटेक्ट करेंगे, दोबारा से आपको अप्रोच करेंगे, तब आप पहले जैसी एनर्जी के साथ रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। मैसेजेस यहाँ पे क्या है? टॉक्सिक, ओके, टॉक्सिक, टॉक्सिक, टॉक्सिक एंड फिटनेस फ्रीक। आपके पार्टनर हो सकते हैं फिटनेस फ्रीक, हो सकते हैं, हो सकता है जिम वगैरह करना, बॉडी बिल्डिंग, ये सब चीज़ें जो हैं, या जनरली अपनी हेल्थ का ध्यान रखना उनको काफ़ी पसंद हो। यूनिवर्स का क्या मैसेज है? पाइल नंबर थ्री आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है कि आपको इस स्टेज में रुकना नहीं है, यू हैव टू कीप मूविंग। आई हैव, आपको मूव करते रहना है, आपको अपने इमोशंस को लेके या अपने डिप्रेशन को लेके एक जगह बैठ नहीं जाना, आपको हार नहीं माननी है। क्योंकि गाइस कहते हैं ना कि अच्छे टाइम की एक बुरी बात होती है कि वो निकल जाता है, और बुरे टाइम की एक अच्छी बात होती है कि वो भी निकल जाता है, राइट? तो आपका जो ये अगर बुरा टाइम चल रहा है तो गाइस ये भी निकल जाएगा, दिस टू शेल पास। आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है नेगेटिविटी के ऊपर, और स्टेबल मतलब बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट नहीं होना है आपको अपने एनर्जीज को लेके, अपने इमोशंस को लेके। अगर आपके माइंड में, अगर आप को इस सेपरेशन के बाद चोट भी पहुंची है, आपको हर्ट भी हुआ है, तो आप बैठे बैठे उसी पर फोकस मत करते रहिए। या कई लोग ऐसे होते हैं जो कि ब्रेकअप हो जाता है या सेपरेशन हो जाता है तो सैड सॉन्ग सुनने लगते हैं और सैड चीज़ें देखने लगते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको खुद ब खुद अपने आप को हील करना है, अपनी एनर्जी को आपको खुद अपलिफ्ट करना है, अर्ध नारेश्वर। क्योंकि आप जो चीज़ बाहर ढूंढ रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, आप जो चीज़ बाहर ढूंढ रहे हैं, आप ये सोच के ढूंढ रहे हैं कि आप इनकम्प्लीट हैं, आप इनकम्प्लीट नहीं हैं, आप इनकम्प्लीट नहीं हैं, आपके अंदर पूरा यूनिवर्स है, आपको किसी और पर्सन की ज़रूरत नहीं है खुद को कम्प्लीट करने के लिए। या आप जो है अपने ऊपर फोकस करें, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, अपने इमोशनल ग्रोथ पे, इन सब चीज़ों पे आप फोकस करें, अपने आप को हर तरीके से एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करें इस सेपरेशन के पीरियड में। अगेन मून का कार्ड, हो सकता है कि कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं पाइल नंबर थ्री, मुझे लगता है आप में से कुछ को लिखना पसंद है, पोएम्स लिखना पसंद है, गाने लिखना पसंद है, या स्टोरीज लिखना पसंद है, या ऐसी कहानियाँ वगैरह देखना, मूवीज देखना, फिक्शन जो है आपको काफ़ी पसंद हो सकता है। तो आई थिंक ये चीज़ जो है आपके माइंड पे, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट कर रही है, क्योंकि स्टोरीज जो होती हैं, या जो भी हम गाने सुनते हैं, या जो भी हम मूवीज देखते हैं, ये सब देखते हैं, वो सब मूवीज में ही होता है गाइज, रियल लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट। तो आपको अपने फैक्ट पे फोकस करना है, लाइफ जो है, रियल लाइफ जो है, कोई मूवी नहीं है। आपकी लाइफ कैसी है ये आप जानते हैं, कोई हमारे पीछे से कहीं से वायलिन नहीं बजने लगते, कहीं से गाने नहीं स्टार्ट हो जाते हैं, नॉर्मल लाइफ चलती है, नॉर्मल इमोशंस के साथ हम लोगों को डील करना पड़ता है। एंड
आपको अपना एंजल जो है यहाँ पे खुद ही बनना पड़ेगा। गॉड का आपके पास पूरा सपोर्ट है गाइस, लेकिन आपको इस सिचुएशन से आगे बढ़ते रहना है। इस डिप्रेशन वाले फेज में आपको अटकना नहीं है। अगेन पाइसिस हो सकती है आपकी राशि। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है गाइस? आपके पार्टनर जो है इस वक्त काफी सारी चीजें हैं उनके माइंड में, बहुत सारे थॉट्स हैं उनके माइंड में जो वो आपसे कहना चाहते हैं, स्वॉर्ड कन्वर्सेशन, आपके साथ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, बट वो अभी पहल नहीं कर रहे हैं। अभी वो जस्ट अपने माइंड में सोच रहे हैं बैठ के कि कन्वर्सेशन करनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए, या दोबारा बातचीत अगर मेरी इनसे होती है तो मैं इनसे दोबारा से क्या कहूँगा या क्या कहूँगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इमोशंस हैं, आई थिंक काफ़ी इमोशंस हैं, इमोशनल हैं ये पर्सन आपको लेके, एंड अपने इमोशंस को भी ये बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, अपने आप को अपने पर्सनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देते हैं। थोड़े ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं ये जो पर्सन है, थोड़े से ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं। रिसेंटली आई थिंक इन्होंने किसी से धोखा खाया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स सेपरेशन पीरियड में किसी चीज़ की वजह से ये बिट्रेड फील कर रहे हैं, जैसे किसी ने इनको चीट किया है, किसी ने धोखा दिया है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, किसी ने इनकी पीठ में छुरा भोंका है। तो उस तरीके की फीलिंग जो है आपके जो पार्टनर हैं जिनको आप माइंड में रख के ये वीडियो देख रहे हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, वो ऐसा कुछ फील कर रहे हैं। एंड देन वेरी सून आई थिंक वो आपको अप्रोच भी कर सकते हैं दोबारा से। पेज ऑफ पेंटिकल्स अपना ऑफर आपको दोबारा से दे सकते हैं, बट अगेन जब आप ये अगर आप ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि आप थोड़े स्केप्टिकल रहेंगे इस ऑफर को लेके, थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी करने के लिए, या हो सकता है आपके पास ऑलरेडी मल्टीपल ऑप्शंस हों उस वक्त लाइफ में। जब तक ये आपको अप्रोच करेंगे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि इस सेपरेशन पीरियड के दौरान मुझे लगता है कि टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि कांटेक्ट नहीं है, बातचीत नहीं है, दोनों पार्टीज जो हैं वो अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। वेदर दे मिस ईच अदर और दे डोंट मिस ईच अदर, या क्या उनको पास के बारे में क्या याद आता है, जो भी इमोशंस हैं, जो भी थॉट्स हैं, वो आप लोग जो है एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। मुझे कुछ ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि आप दोनों ने एक दूसरे को कम्प्लीटली हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है। तो आने के बाद, वापस आने के बाद, आपके लाइफ में वापस आने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि ये जो पर्सन है इनका एटीट्यूड कुछ खास बदलने वाला है। अगर ये पहले भी थोड़े इस टाइप के थे, अगर आप पहले भी इनके साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं, आप इनको जानते हैं, तो मुझे लगता है कि ये पहले की तरह थोड़े से रिजिड रहेंगे अपने बिहेवियर में, थोड़े ईगोइस्टिक रहेंगे, थोड़ा सा अपने आप को सुपीरियर समझने वाले, सामने वाले पर्सन से थोड़ा सुपीरियर समझने वाले, एंड ये चाहने वाले कि लोग इनकी तरफ जाएं और लोग इनको पहले अप्रोच करें या लोग इनसे पहले बातचीत शुरू करें। तो अगर इनका ऐसा कुछ बिहेवियर है, तो वो बिहेवियर जो है वो इस सेपरेशन पीरियड के बाद जब आपको ये दोबारा कांटेक्ट करेंगे, दोबारा से आप लोग रिलेशनशिप में आएंगे, आई थिंक वो बिहेवियर जल्दी से बदलने वाला नहीं है। बट अगेन ये आपको खुद भले ही जैसे हो, आपको दोबारा से स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे, और इस बार रिलेशनशिप को थोड़ा ज़्यादा सीरियस डील करेंगे, थोड़ा ज़्यादा सीरियसली डील करेंगे इस रिलेशनशिप में, थोड़ा ज़्यादा मच्योर तरीके से इस रिलेशनशिप में बिहेव करेंगे। डेट्स इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, 7 तारीख, 14 तारीख, 18 तारीख, 10 तारीख और 4 तारीख। 4 तारीख 2 बार, यानी अप्रैल का महीना भी हो सकता है, या फिर अब से लेकर अगले 4 हफ्ते या 4 महीने तक का वक्त हो सकता है। मंथ्स अगेन, दूसरे मंथ्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो अप्रैल है, हमारे पास अक्टूबर है एंड जुलाई है। अप्रैल, अक्टूबर, जुलाई, या फिर अब से लेकर 4 महीने, 4 हफ्ते, 10 महीने, 10 हफ्ते, 7 महीने, 7 हफ्ते। आप चाहें तो ये डेट्स और मंथ्स जो है नोट कर सकते हैं, या वीडियो को आप सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस, अगर आपके साथ रेजोनेट होता है ये। साइंस जो रहेंगे यहाँ पे, मैंने आपको बताया जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ एनर्जी यहाँ पे थोड़ी सी है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, एंड फायर एनर्जी भी है यहाँ पे, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये कुछ साइंस हैं जो आपके या आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में हो सकते हैं, या फिर सन, मून, राइजिंग, जैसे भी आप लोग अपना जोडियक साइन कंसिडर करते होंगे, ये साइंस प्रेजेंट हो सकते होंगे।
तो गाइस अगर आपको ये रीडिंग जो है अपनी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप देना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्ते। बढ़ते हैं पाइल नंबर 4 की तरफ। पाइल नंबर 4, जिन लोगों ने ये ब्लू स्टोन सिलेक्ट किया था, आपके पार्टनर कब वापस आ सकते हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है और यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज क्या है। द टावर, द एम्प्रेस, डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड द स्टार, हीलिंग। ठीक है, एक चीज कंप्लीटली खत्म हो गई, दोबारा से नई शुरुआत। एंड देन वो शुरुआत कैसी होगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी, बहुत ज़्यादा उसमें बहुत अबंडेंस होगी, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेंगी आपको। तो यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है। ख़त्म क्या हुआ, आई थिंक आपका रिलेशनशिप जो कम्प्लीटली ओवर हो गया है, या फिर आपके माइंड में जो एक इल्यूजन था, जो इमोशंस थे पहले जो पास्ट में थे, वो जो चीज़ है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई है। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इस सेपरेशन के पीरियड में धीरे धीरे बदल रही है, धीरे धीरे आप और मैच्योरिटी गेन कर रहे हैं, आप और ज़्यादा एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हैं इस सेपरेशन के पीरियड में। आप अपने बारे में और दुनिया के बारे में और ज़्यादा नई नई चीज़ें जो हैं वो सीख रहे हैं, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाली हैं अपने अगले रिलेशनशिप के लिए। पार्टनर की करंट एनर्जी, द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मूवमेंट बट स्टेडी मूवमेंट, द हायरोफेंट, टॉरस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, फास्ट मूवमेंट। तो दीज आर द फेजेस, ओके। फ्यूचर कैसा रहेगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत आपके साथ में रहेगी, एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ों को संभालने में थोड़ा सा मुश्किल आएगी आपको अपना रिलेशनशिप पैचअप के बाद संभालने में। अप्रोच करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, मूवमेंट है, बहुत फास्ट मूवमेंट है। किस चीज़ के लिए, कन्वर्सेशन के लिए। कौन सी कन्वर्सेशन, जो ऑलरेडी उनके माइंड में बहुत टाइम से वो प्लान कर चुके हैं सेपरेशन के पीरियड में। मैसेज है आपके लिए, आई वॉन्ट टू प्रपोज यू। आई थिंक भागे भागे आएंगे आपको प्रपोज करने के लिए। हायरोफेंट का कार्ड भी है, मैरिज का कार्ड होता है, सेक्रेड यूनियन का कार्ड होता है गाइज, द हायरोफेंट। सेकेंड कार्ड आया है, आई एम क्लोजर देन यू थिंक। तो आप लोग सेपरेशन में हैं, अलग हैं एक दूसरे से, फिर भी आपके पार्टनर के ये इमोशंस हैं, ये थॉट्स हैं कि वो आपको अपने से दूर नहीं पाते हैं इमोशनली। तो क्या चल रहा है यहाँ पे, प्रेजेंट एनर्जी जो है आपके पार्टनर की, करंट एनर्जी में मुझे नहीं लगता कि कुछ नेगेटिव है। नेगेटिव फेज जो था वो ऑलरेडी डिस्ट्रक्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। जो चीज़ नेगेटिव थी आप लोगों के रिलेशनशिप में, उसका एंड हो चुका है, वो चीज़ जो है ख़त्म हो चुकी है। एंड उसके बाद द एम्प्रेस, प्रेगनेंसी या न्यू बिगिनिंग्स, नई बिगिनिंग्स हो रही हैं, जो कि कैसी रहेंगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाएंगी आपके रिलेशनशिप में। एंड आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेंगी। दी हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, चेंज पर्सपेक्टिव अगेन, क्योंकि नई शुरुआत हुई है, पुरानी चीज़ ख़त्म हो गई है। तो आपके जो पार्टनर हैं वो भी अब इस रिलेशनशिप को और अपनी सिचुएशन को कम्प्लीटली दूसरे तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जो नज़रिया है चीज़ों को देखने का वो बदल गया है, उनको काफ़ी सारी नई चीज़ें जो हैं, नई इमोशंस, नई फीलिंग्स जो हैं वो उनको रियलाइज़ हुई हैं इस सेपरेशन के पीरियड में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगेन, दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग, आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपसे दोबारा से आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, आपको एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं। बट मूवमेंट कैसी है उनकी, बहुत स्लो है, बहुत स्टेडी मूवमेंट है। अपने इमोशंस को, उनको एक पीक तक जब उनके इमोशंस पहुंचेंगे
उनको रियलाइज होगा कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, कुछ ऐसा इवेंट होगा उनकी लाइफ में या कुछ ऐसा वो फील करेंगे, कुछ ना कुछ अपने आप यूनिवर्स की तरफ से ऐसा होगा कि वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स वाला जो इनका जो हॉर्स है जो कि रुका हुआ है वो स्पीड में आगे बढ़ेगा आपकी तरफ कन्वर्सेशन के लिए। किस चीज़ की कन्वर्सेशन? हायरोफेंट, सेटलमेंट के लिए। डेट्स क्या हो सकती हैं गाइस? यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स जो रहेंगी वो रहेगी 5 तारीख, 3 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख और 12 तारीख और 2 तारीख, 10 तारीख। इम्पॉर्टेंट मंथ्स क्या रहेंगे? इम्पॉर्टेंट मंथ्स जो रहेंगे वो होगा अक्टूबर का, फेब्रुवरी का, मई, मार्च एंड दिसंबर। ये मंथ्स जो हैं और ये डेट्स जो हैं ये किसी तरीके से इम्पोर्टेंस रख सकते हैं। कब आएंगे वो वापस? मुझे लगता है कि अब से लेकर 2 से 5 महीने के अंदर, जब भी आप ये वीडियो देखते हैं, 2 to 5 months या 2 to 5 weeks या 2 या 5 तारीख हो सकती है किसी महीने की, ये चीज़ ये मुझे फील हो रहा है कि इस टाइम तक आपके पार्टनर जो हैं आपको दोबारा से अप्रोच करेंगे, दोबारा से जो पहले वाली फीलिंग्स हैं वो उनके माइंड में, उनके हार्ट में दोबारा से एक बार स्टार्ट होंगी और फिर वो आपको कुछ नई चीज़ जो है वो ऑफर करना चाहेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो आपका जो फ्यूचर रहेगा उसमें किस्मत जो है वो आपका साथ देगी इस रिलेशनशिप में। जब भी दोबारा से स्टार्ट होगा नया रिलेशनशिप आपका, दोबारा से आपका पैचअप होगा, आप दोबारा से इस पर्सन के साथ जुड़ेंगे, तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपको मिलेंगी एंजल्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, एंड किस्मत का जो चक्र है वो आपके साथ आपके साइड होगा। बेसिकली जो चीज़ आप पहले चाहते थे इस रिलेशनशिप में आपको नहीं मिली, जिसकी वजह से शायद ये सेपरेशन हुआ है, टावर का कार्ड आया है, डिस्ट्रक्शन हो गया है कम्प्लीटली, तो आई थिंक वो सब चीज़ें जो हैं वो आपको अब इस बार पैचअप होने के बाद आपको मिलेंगी। बट आप में से कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि दोबारा से इस सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को इतना इजीली हैंडल ना कर पाए, या फिर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाए चीज़ें, काम हो जाए बहुत ज़्यादा, रिलेशनशिप का प्रेशर हो जाए, काम का प्रेशर हो जाए, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए दोबारा से इस रिलेशनशिप को संभालना। बट ओवरऑल पैचअप के बाद काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है, आपको स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे ये, आपके आपको शादी का ऑफर भी कर सकते हैं, आपके साथ सेटल होने का ऑफर भी ये आपको दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी गाइज इनको काफ़ी सारे फेजेस से होके निकलना है, यहाँ पे इनको इनका पर्सपेक्टिव चेंज होना है, इनको चीज़ें रियलाइज होनी है, इनके इमोशंस को एक पीक तक पहुँचना है, तब जाके ये आपको दोबारा से अप्रोच करेंगे। आपके लिए जो यूनिवर्स का मैसेज आया था, टावर का कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड एंड स्टार का कार्ड, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है गाइज? आपकी लाइफ में ये एक चीज़ जो है, ये रिलेशनशिप जो है ये कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, इसके बाद नई बिगिनिंग हो रही है आपकी, आपकी जो स्टोरी है उसकी एक नई शुरुआत हो रही है, नए नए चीज़ें, नए नए इवेंट्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में जो अल्टीमेटली आपको बहुत पीस देने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, अबंडेंस हर चीज़ की, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आपको देने वाले हैं। तो सेपरेशन के पीरियड में गॉड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग है? फाइल नंबर 4 के लिए गॉड्स की तरफ से, हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं? फाइल नंबर 4 ब्रह्मा, गॉड ऑफ क्रिएशन एंड अगेन न्यू बिगिनिंग द एम्प्रेस। तो नई चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, नई चीज़ें आपकी लाइफ में, एक कम्प्लीटली न्यू फेज़ आने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक नई साइकिल आपकी लाइफ में शुरू होने वाली है क्योंकि पुरानी साइकिल जो है वो ख़त्म हो गई है। ब्लेसिंग्स क्या मिली हैं आपको? इंस्टिल्स क्रिएटिविटी, ओवरकमिंग इनफर्टिलिटी। तो आई गेस अगर आप लोगों का, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका सेपरेशन का कॉज इनफर्टिलिटी हो सकता है, क्योंकि कई बार कपल्स में ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक बेबी प्लान कर रहे हैं, फैमिली प्लान कर रहे हैं,
तो आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है. सो कंग्रेचुलेशंस, हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, हैप्पीनेस आपको मिलेगी, एड्स इन द लर्निंग प्रोसेस. जो कुछ भी चीज़ आपने इस सिचुएशन से सीखी है, इस एक्सपीरियंस से आपने जो भी चीज़ सीखी है, उसमें गॉड का आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको ब्रह्मा जी की, और नई चीज़ आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है, नई साइकिल जो है वो आपकी लाइफ में शुरू हो रही है, विच इज़ वेरी नाइस. तो गाइज, ये थी रीडिंग पाइल नंबर 4 के लिए. एंड जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको हर वीडियो के एंड में कोशिश करूँगी कि कोई ना कोई एक टिप जो है ज़रूर दूँ आपके लव लाइफ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, या जनरली वास्तु से रिलेटेड. तो आज की टिप गाइज ये है, जो कपल्स हैं या जिन लोगों का सेपरेशन हो चुका है, वो कोशिश करें कि अपने बेडरूम में, जहाँ पे कि आप सोते हैं या जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, यूजुअली हम घर पे होते हैं तो ज़्यादा टाइम बेडरूम में स्पेंड करते हैं मोस्टली लोग, तो आई थिंक बेडरूम में आप क्या करें, कुछ भी एक स्वान का कपल आपने देखा है, हंसों का जो जोड़ा होता है उसकी पेंटिंग, या फिर उसका जो स्कल्पचर होता है, मूर्ति होती है, ऐसा कुछ चीज़ जो है वो आप अपने रूम में ज़रूर लगाएं, अपने बेडरूम में आप वो चीज़ ज़रूर लगाएं. एंड करके बताइए मुझे आपको क्या इससे कुछ बेनिफिट होता है, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताइएगा. तो यही था आज की रीडिंग के लिए. अगर आपको रीडिंग अपनी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते.